तभी सरकार ने यदि दियारा की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ा और न्याय नहीं दिया तो हम मनिहारी से दियारा की आजादी मुंगेर तक पैदल जाए। न्याय की गवर्नमेंट, महागठबंधन की गवर्नमेंट, गरीब दलितों की ए टू जेड की गवर्नमेंट बोलने वाले हम लोग, जब हम जो सबकी सुरक्षा करता है उसकी सुरक्षा नहीं कर पाइएगा। नीतीश जी, मैंने कल कहा, पहली बार सुना, जो यादव गरीबों की रक्षा कभी करता था, 20 गांव के एक कोई यादव नहीं बचा जिसके घर में वो ना ढुका हो। पूरा का पूरा दियारा आज कल जाने के बाद बीएमपी पहुंचती है आज सुबह, और अग्रवाल एमएलसी इसके बदौलत 200 करोड़ की मिट्टी सरकारी जमीन में काट के लेके चला जाता, लगातार आतंक, फिर गोली क्यों नहीं निकलती। मेरा बहुत क्लियर है, ऐसे अपराधियों को मरना चाहिए। जरूरत है, यदि सरकार ने यदि दियारा की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ा और न्याय नहीं दिया तो हम मनिहारी से दियारा की आजादी मुंगेर तक पैदल जाए। जिसकी जमीन होगी अधिकार उसी का होगा, जाति कोई हो, जिसका फसल हो काटेगा वही। हमने तो भैया कल, मैं पागल हो चुका कि पहली बार जाति पूछ करके मारना और घर ढुकना, ये दुनिया के हिस्ट्री में सामाजिक न्याय की गवर्नमेंट, महागठबंधन की गवर्नमेंट, गरीब दलितों की ए टू जेड की गवर्नमेंट बोलने वाले हम लोग, जब हम जो सबकी सुरक्षा करता है उसकी सुरक्षा नहीं कर पाइएगा। नीतीश जी, मैंने कल कहा, तो फिर बचेगा कौन? यदि मोहन ठाकुर पर सरकार कार्रवाई नहीं होगा, या तो मरेंगे, दो ही बात हो। चैलेंज है मेरे लिए, कि मैं आज आपको बता दिया, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, और जो गवर्नमेंट उसको मारेगी उसको 2 लाख इनाम देंगे। इस जब बाघ की हत्या हो सकती है, पागल हाथी की हत्या हो सकती है, तो फिर पागल आदमी की क्यों नहीं? जो आदमी इंसानियत के लिए खतरा हो उसको क्यों नहीं? किसी जाति को आप सूचक करके गाली कैसे दे सकते हैं? किसी जाति, कोई जाति, और जाति कह करके आप किसी के घर कैसे ढूंढ सकते हैं? 7 लाश नहीं मिली अभी तक, आज तक। भूमिहार जाति से, भूमिहार जाति से लगे, कब से अपराध कर रहा है इस गांव के? आपकी कौन सा गांव है ये? सोनाखाल मोहना चांदपुर, यानी उसका अपराध बिहार झारखंड में है, ये गांव से मतलब नहीं है। उसके ऊपर झारखंड का भी बहुत सारे लूट हत्या केस हैं, और यहाँ तो जो गांव में कर रहे हैं करिए रहे हैं। क्या यहाँ के महिलाएं और बच्चियों के ऊपर भी उनकी गलत निगाह होती? हाँ, अत्याचार एकदम है। जिसका घर जिसका ये चाहते हैं वो घुस जाते हैं, और उसमें जो विरोध करता है उसका हत्या उस निश्चित है कि आज न कल कर ही देंगे। क्या स्थानीय प्रशासन भी सहयोग करते हैं क्या? स्थानीय प्रशासन उसका सहयोग करते हैं, मोहन ठाकुर का। हाँ, क्या है, मुख्यमंत्री है, विधायक है, क्या है? कुछ नहीं है। कहाँ से संरक्षण उसको प्राप्त हो रहा है, पावर कहाँ से मिल रहा है उसको? संरक्षण पावर यहाँ के एमएलसी अशोक अग्रवाल जी से मिल रहे हैं, और इसके पहले सरकारी जमीन है एक यहाँ 50 एकड़ करीब, उसमें जो है 30 फीट लमसम गड्ढा करवा के मिट्टी कटवाए, जिसमें अशोक अग्रवाल का 4-4 पपलन चल रहे थे अगले साल, तो अशोक अग्रवाल के द्वारा इनके संरक्षण में मिट्टी कटवाया गया सरकारी जमीन का, और कोई सरकारी पदाधिकारी जो है उसको नहीं रोके। आखिर आप लोग डरते क्यों हैं? हमेशा सुनते हैं कि बहुत दिन से आप लोग झेल रहे हैं 10 वर्षों से, तो आखिर आप लोग डरते क्यों? हम लोग करें क्या, मार देते हैं, विरोध करने पर सीधे मर्डर। हाँ, बस दूसरा कोई उपाय नहीं। जो भी आदमी विरोध करते हैं उनका उसका सीधा मर्डर। बेटी बहनों को भी काफी गलत निगाहों से देखता है। हाँ, काफी गलत निगाह। क्या करता है? जो मन होता है वही करता है, उठा लेता है, घर में घुस जाता है।